यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ अलग अलग इलाकों में पानी की परेशानी भी बढ़ने लगी है, पानी की परेशानी की समस्या भी सामने आने लगी है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही लोगों पर और भारी पड़ रही है। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम का है, जहां पर पाइपलाइन बिछा दी गई है और तैयारी भी पूरी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि वो हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, जिसमें काफी गंदगी निकल रही है और पानी भी कड़वा होता है, जिससे लोगों पर काफी इसका असर हो रहा है और उन्हें बीमार होने का खतरा भी सताने लगा है। लोगों का कहना है कि मामले की शिकायत उन्होंने गाजियाबाद नगर निगम के मेयर से भी की, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। तो कह सकते हैं कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, मौसम बदल गया है, पारा बढ़ता जा रहा है और पानी की समस्या लोगों को ज्यादा सताने लगी है, क्योंकि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हैंडपंप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के लिए, जिसमें गंदा पानी आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ का पानी कड़वा भी है। इसकी शिकायत मेयर से कर भी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है।